सभी को वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपया आप सब पे बनी रहे। तो अचानक की प्लान बनाया हमारा कहीं घूमने जाने का, और किस किस का प्लान है ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं घर से निकलने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहे, किसके साथ और कहाँ घूमने जाने ये मैं आपको भी ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। फिलहाल मैं बस निकलने ही वाली हूँ, वेट कर रही हूँ अभी गाड़ी को। अंकल पालू कौन बन रहा, तो वो आगे चले गए। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। तो मैं आई हूँ शिवानी और मनीषा दी के यहाँ पे। हेलो मैडम, आज होने वाला है कुछ बहुत बड़ा धमाका। आज वो भी हम जा रहे हैं। मुझे खुद भी नहीं पता है वो धमाका क्या है। आज तो देखो क्या होएगा, लेगी गदागद। क्यों ले? व्हाट यू मीन? क्या चलो चलो, धमाल होने वाला है थोड़ी देर में। बरसात मिलेगा तगड़ा, है ना? मैं खुद शॉक, तो मुझे खुद नहीं पता कि क्या होगा। मतलब इन सब ने तो प्लान किया मुझे। हम सब दीदी को धमाका देने वाले। ऐसे मत बोलो, तुम तो मुझे डरा रहे हो ऐसे बोल के। मम्मी धमाल कर देंगे आज हमें ना। अभी तो हम निकले भी ना, पापा के खून से भूल रहे। चले कन्नू 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 पूजा में ही। मम्मा तेरी थी ठंडा पानी और तीन दीदी से काम आया था अभी। दीदी 6 लीटर पानी। भाई तीन बच्चे तो सो गए हमारे, दो ये रे डांगे बैठे। तो अब हम यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए। चलो चलो उतरो। सिर पट रहा उल्टी आ गई। यहाँ खाना नहीं मिला, इनसे ही काम चला रहे। यहाँ पे खाना नहीं है इस रेस्टोरेंट में। कौन हालत भी कैसी होगी हमारी।
कैप यहीं पे चप्पल भी उतारनी। अब हमारे दूसरे रेस्टोरेंट पे इस पे देखते खाना मिलेगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। हमारे लिए तो कुछ मीठा मंगा कायरा को तो मैंने वो उड़ाई अपना दुपट्टा सब भी लगे आसी लगे मैंने आसी अभी हम वेट कर रहे हैं खाने का। अभी मेन्यू चेक किया है अभी ऑर्डर किया तो आप क्या खा रहे हो क्या ऑर्डर कर रहे हो नूडल्स बेचारी कायरा को भूख लग रही है वो रो रही है ऑर्डर कितनी देर में आएगा कितनी देर में आएगा सैड बैठी हुई है। कॉफी क्योंकि मेरा फास्ट है अभी इनका खाना आने वाला है कॉफी पीनी है तो बताओ कॉफी ओके आपको ऑर्डर दिया है मेरा तो बेटा फास्ट है इसलिए ले रही हूँ अभी ऑर्डर दिया है आने वाला है। अब हमारा खाना हो चुका है तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं बच्चे से सब होंगे अब हम जा रहे हैं तो पहले पैक करा लिया दीदी करता वाले ये बार पीछ पीछे ही आ रही पापा आइसक्रीम खाऊंगी मैं कौन सा फ्लेवर लग रही है वो मैजिक वाली कुल्फी का अच्छा कुछ नहीं है तो हम इस रेस्टोरेंट में रुके थे यहाँ पे हमने खाना खाया था जो हम पहले में रुके थे वहाँ पे खाना खत्म हो गया था प्रीति का मन नहीं लगा देखो मैंने इस आखिर बुला लिया अपने पास दीदी मेरा मन नहीं लगा था और दीदी ने कहा मैं घूमने जा रही तो दीदी ने कहा मैं प्रीति को साथ में लेके जाऊंगी तो इसलिए फिर मैं दीदी के यहाँ पे आई और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार जो भी हम पहुँचे ये बच्चों को भूख लगने लगी तो इसलिए हम खाना खाने के लिए रुक गए अभी हमें एक डेढ़ घंटा लगेगा कुछ भूल भाल तो ना कहो नहीं देख लेते अपना चाबी
अब हम आ चुके हैं हर की पौड़ी। अब हम यहाँ से लेंगे, रुकने का इंतजाम करेंगे यहाँ पे, सॉरी फिर रूम लेना है और फिर मॉर्निंग में घूमेंगे। आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी। आई नहीं है इसे, और जो आ जाती है ना तो इसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। भाई भोलेनाथ की वाक्य में बहुत अच्छी कृपा रही है, जो हम सारे पैसेंजर नहीं उल्टे वाले और सेफ्टी से। फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे। मंथ के लास्ट में कोई भी ना आए क्योंकि हमें रूम नहीं मिले। हम हर की पौड़ी से ऋषिकेश तक आ गए, हमें कहीं रूम अवेलेबल नहीं मिले, सब बुक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम। तो सभी ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये मंथ का लास्ट है, इस वजह से हमें 2 बज चुके जबकि हम 11 बजे से रूम ढूँढ रहे हैं, हमें कहीं पर नहीं मिला और फाइनली अब ये मिला है हमें यहाँ पे। अब हम रुके क्योंकि हम है भी 2-3 फैमिली। तो मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हम आए थे हरिद्वार घूमने के लिए और अब भी सुबह घूमेंगे, अभी हम रात को अब रुकेंगे और यहाँ सोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और बच्चों को भी नींद आ रही है, खाना वाना सबका हो चुका है। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, कल मिलूँगी आपको नए व्लॉग के साथ में। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय।